दोस्तों, सेना की एकता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। सीआरपीएफ के जवान शहीद शैलेंद्र प्रताप सिंह 5 अक्टूबर 2020 को पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे। 13 दिसंबर 2021 को उनकी बहन ज्योति सिंह की शादी थी। तकरीबन एक साल से भी ज़्यादा समय हो चुका था, लेकिन सीआरपीएफ ने उनकी शहीदी को नहीं भूला और सीआरपीएफ के कई जवान उनकी बहन ज्योति सिंह की शादी में अचानक से आए, शामिल हुए, सभी रस्म रिवाज में उनका साथ दिया, उपहार दिए और एक भाई के नाते सभी फर्ज निभाए। ये क्षण किसी भी शहीद के परिवार के लिए बहुत ही उम्दा क्षण होते हैं, बहुत ही भावपूर्ण क्षण होते हैं। एक तरफ जहां खुशी के आंसू थे तो दूसरी तरफ गम के आंसू भी थे। एक तरफ शहीद शैलेंद्र प्रताप सिंह की यादें सता रही थी तो दूसरी तरफ सीआरपीएफ की तरफ से उनका सहयोग उनको खुशी के आंसू दे रहा था। जब एक शहीद सेना में अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान देकर शहीद होता है तो उन्हें धन दौलत रुपये पैसों की जरूरत नहीं होती, ना उनकी कोई आश होती है। आश होती है तो सिर्फ इतनी कि उनके परिवार को इज्जत मिले, उनकी बचे हुई जिम्मेदारियों को सहारा मिले, और ये सहारा सेना बखूबी तौर पर देती है। इसका एक उम्दा उदाहरण ये केस है जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, इसी तरह अगर सभी सैनिकों को सपोर्ट मिलता रहे, अपने बलिदानों के बदले में कुछ परिणाम मिलता रहे, तो भारत देश का हर एक नौजवान सेना में रहकर अपने वतन के लिए, अपनी धरती माँ के लिए, अपने देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार। जय हिंद।